हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है मनु भाकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो मनु भाकर का संबंध जो है वो निशानेबाजी से है। पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब किया गया? तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन जो है वो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य होगा। मनु भाकर ने कौन सी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और वह कांस्य पदक प्राप्त करने के साथ ही पहली भारतीय महिला निशानेबाज हो गई हैं जिसने ओलंपिक में पदक जीता है। आज तक के इतिहास में किसी भी महिला निशानेबाज ने ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है, हालांकि पुरुष जो है वो निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीत चुके हैं। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय महिला निशानेबाज ने पदक जीता है। निशानेबाजी में वर्ष 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक, वर्ष 2008 में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल और वर्ष 2012 में गगन नारंग ने कांस्य व विजय कुमार ने रजत पदक जीता था। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं कि मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है? तो हमारा उत्तर क्या होगा कि मनु भाकर का संबंध जो है वो हरियाणा से है। एक बात आपको और बता दें कि मनु भाकर ने जो है वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था, किंतु क्वालिफाइंग इवेंट में इनकी पिस्टल खराब होने के कारण ये स्पर्धा से बाहर हो गई थी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने भारत को दिलाया? तो पहला पदक जो है वो मनु भाकर ने भारत को दिलाया। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।